दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आइए, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एग्री एजुकेशन। मैं मुकेश पटेल आपके लिए लेके आया हूँ बुक रीडिंग, जिसमें कि हमारा पहला पार्ट समाप्त हो चुका था और हमें सेकंड पार्ट में आना है। तो सेकंड पार्ट में जो हम देखेंगे वो टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ एंशियंट एग्रीकल्चर। तो आइए देखते हैं हिस्ट्री ऑफ एंशियंट एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर साइंस इट्स इन्वेंशन एंड इंसेप्शन हैज बीन द प्राइम एंड फॉरमोस्ट एक्टिविटी ऑफ एवरी कल्चर एंड सिविलाइजेशन थ्रू आउट द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। ओके, तो एग्रीकल्चर जो है वो साइंस है। एग्रीकल्चर साइंस है जिसमें इन्वेंशन, नई नई चीज़ों का आना, एंड इंसेप्शन और उनका आरंभ होना, हैज बीन प्राइम एंड फॉरमोस्ट एक्टिविटी और उनको सर्वप्रथम एक्टिविटी में लाना एवरी कल्चर एंड सिविलाइजेशन में, जिनका हम यूज कर सकें अपने कल्चर में और सिविलाइजेशन में थ्रू आउट द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, जो कि पूरी तरह से मैनकाइंड पे डिपेंड हो। ओके, सो द फर्स्ट मैन होमो इरेक्टस डेवलप्ड ऑन द अर्थ अराउंड द 1.5 मिलियन ईयर एगो। ओके, तो ऐसा माना जाता है कि होमो इरेक्टस जो पहला मानव था वो पृथ्वी पे कब आया, 1.5 मिलियन ईयर एगो पहले आया। एंड आफ्टर 5 लाख ईयर ही स्प्रेड थ्रू आउट द ओल्ड वर्ल्ड, वो पूरे वर्ल्ड में फैल गया, फर्स्ट इन ट्रॉपिकल रीजन। ओके, तो वो फर्स्ट कहाँ गया, सबसे पहले ट्रॉपिकल रीजन एंड देन इन टेम्परेट रीजन, और उसके बाद वो ठंडे प्रदेशों में गया। ओके, द एवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न मैन वाज एज फॉलो। तो फर्स्ट फर्स्ट में मंकी, मोर देन 1.5 मिलियन एगो। ओके, देन जावा मानव या होमो इरेक्टस 15 लाख ईयर एगो, देन क्रोमैग्नन मानव, देन मॉडर्न मानव होमो सेपियंस। ओके, होमो सेपियंस 2050। टू थाउजेंड फिफ्टी ईयर एगो। ओके, देन होमो मीन्स या मीनिंग कंटिन्यूअस। ओके, इरेक्टस मीनिंग इरेक्ट एंड स्पीसी एंड एंड सेपियंस मीनिंग लर्निंग हैबिट। ओके, होमो मीनिंग कंटिन्यूअस, मतलब होमो मतलब कंटिन्यूअस कुछ ना कुछ सीखने वाला, इरेक्टस मतलब जो पूरी तरह से स्ट्रेट या सीधा खड़ा हो सके, एंड सेपियंस मीनिंग लर्निंग हैबिट मतलब उसकी ऐसी हैबिट जो कुछ ना कुछ सीखते रहने की थी। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। द एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न मैन होमो सेपियंस फर्स्ट टाइम अपीयर्ड इन अफ्रीका अराउंड 35,000 ईयर एगो। द होमो सेपियंस डिफरेंट फ्रॉम फेलो एनिमल्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लार्ज ब्रेन। किसकी वजह से ये जो अदर एनिमल थे उनसे भिन्न था, लार्ज ब्रेन की वजह से। ओके, स्मॉल टीथ एंड चिन, इंटेलिजेंस एंड स्किल इन मेकिंग यूज ऑफ टूल्स। ओके, तो उस वो क्योंकि वो बुद्धिमान था उस वजह से उसने टूल्स बनाने शुरू किए। ओके, द जीनस होमो
द जीनस होमो सेपियंस नॉलेज नॉलेज ऑफ फायर कंट्रोल अराउंड 500,000 ईयर एगो द लिविंग डेवलपमेंट ऑफ होमोसेपियंसीज एंड फॉलो। ओके, तो इंटेलिजेंस ब्रेन डेवलपमेंट मेकिंग टूल्स फर्स्ट टूल बाज वोल्डर रॉक एंड स्टोन एंड स्पीयर्स ऑफ वुड टिपेड विद ब्लेड्स ऑफ फ्लिंट। ओके, तो हंटिंग सबसे पहले स्टार्ट किया ह्यूमन ने, हंटिंग ऑफ एनिमल्स, देन कुक्ड मीट ऑन फायर स्टार्टेड, देन डोमेस्टिकेटेड ऑफ डॉग एंड डॉग हेल्प इन हंटिंग, स्टार्टेड गैदरिंग सीड लीव एंड फ्रूट फ्रॉम जंग। ओके, तो इस तरह से जो ह्यूमन था उसका डेवलपमेंट हुआ। सबसे पहले हंटिंग ऑफ एनिमल, देन कुक्ड मीट, पहले वो कच्चे मांस ही खा जाता था, उसके बाद उसने क्या किया, कुक्ड मीट ऑन फायर स्टार्टेड, उसने सबसे पहले आग की खोज की और उसके बाद उसने मांस को पकाना शुरू कर दिया। देन डोमेस्टिकेशन ऑफ डॉग, उसके बाद उसने डॉग को डोमेस्टिकेट किया जिससे कि वो शिकार में हेल्प कर सके। देन कुक्ड मी देन डॉग हेल्प इन हंटिंग, और उसके बाद वो जो डॉग था वो उसकी हेल्प करता था हंटिंग करने में, शिकार करने में। एंड देन स्टार्टेड गैदरिंग सीड, उसके बाद उसने देखा कि वो सीड को इकट्ठा करने लगा, एंड लीव्स एंड फ्रूट ऑफ जंगल, जो जंगल में जो पौधे थे उसमें जो सीड थे उनको इकट्ठा किया, उसकी लीव को इकट्ठा किया और उनके फलों का यूज किया। इस तरह से ह्यूमन का विकास होता चला गया। ओके, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इम्पॉर्टेंट इवेंट्स इन एंशियंट हॉर्स हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। ओके, तो ईयर्स ईयर्स एगो एन इवेंट। ओके, तो 70 मिलियन ईयर एगो अर्लीस्ट प्रीमेट प्रोजीमेंस डेवलप इन ट्री। ओके, 40 मिलियन एगो इवोल्यूशन ऑफ मंकी एंड एपीस, देन 1.5 मिलियन एगो फर्स्ट ह्यूमन होमो इरेक्टस इमर्ज इन इंडोनेशिया एंड अफ्रीका, देन 1 मिलियन एगो होमो इरेक्टस माइग्रेटेड थ्रू ओल्ड वर्ल्ड ट्रॉपिक्स। ओके, देन 0.8 मिलियन एगो होमो इरेक्टस पॉपुलेटेड टेम्परेचर रीजन। ओके, पॉपुलेटेड टेम्परेचर रीजन टेम्परेट रीजन। ओके, सो देन 0.5 मिलियन एगो होमो इरेक्टस पिकनेसिस लर्न्ड यूज एंड कंट्रोल ऑफ फायर, देन 0.04 मिलियन एगो मैन मेड शेल्टर्स आउट ऑफ ट्री एंड ब्रांचेज, देन 32,000 ईयर एगो क्रोमैग्नन मानव होमोसेपियंस सेपियंस इमर्ज इन यूरोप, देन 10,000 BC। ओके, तो डोमेस्टिकेशन ऑफ डॉग फॉर हंटिंग हंटिंग इन आयरन एंड सॉरी हंटिंग इन ईरान एंड इजराइल, देन 1780 BC डोमेस्टिकेशन ऑफ सीप 8,700 BC डोमेस्टिकेशन ऑफ सीप। ओके, आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे जो बीसी का मतलब है वो है बिफोर क्रिश्चियन, मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले। ओके,
ओके तो आगे बढ़ते हैं। 1770 BC डोमेस्टिकेशन ऑफ गोट, 1700 में सीप का डोमेस्टिकेशन हुआ, 1700 में गोट का डोमेस्टिकेशन हुआ। देन 7500 BC कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप व्हीट एंड बार्ले। ओके देन 6000 BC डोमेस्टिकेशन ऑफ कैटल एंड पिग। देन 4400 BC कल्टीवेशन ऑफ मेज। देन 4000 BC कल्टीवेशन ऑफ राइस। देन 3500 BC कल्टीवेशन ऑफ पटेटो। देन 3400 BC व्हील वाज इन्वेंटेड। देन 3000 BC ब्रॉन्ज यूज टू मेक टूल्स। देन 2900 BC प्लाउ वाज इन्वेंटेड। इरीगेटेड फार्मिंग वाज स्टार्टेड। देन 2700 BC डोमेस्टिकेशन ऑफ सिल्क मॉथ चाइना। देन 2300 BC कल्टिवेशन ऑफ चिक पी पियर सरसों एंड कॉटन। देन 2200 BC डोमेस्टिकेशन ऑफ फाउल बफेलो एंड एलिफेंट। देन 1800 BC कल्टिवेशन ऑफ रागी, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। 1800 BC कल्टिवेशन ऑफ रागी। ओके 1800 ईसा पूर्व कल्टीवेशन शुरू किया गया रागी का। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 1725 BC कल्टीवेशन ऑफ सोरगम, 1500 BC कल्टीवेशन ऑफ शुगर कैन, इरीगेशन थ्रू वेल एज स्टार्टेड, दिस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देन 1400 BC यूज ऑफ आयरन माइल्ड स्टी ईस्ट। देन 1600 से 600 BC एज ऑफ आयरन, आयरन प्लाउ सेयर एक्स इन्वेंटेड, क्रॉप कल्टीवेशन इन पंजाब एंड उत्तर प्रदेश एंड बिहार। ओके देन 543 BC से 491 BC रेफरेंस टू फार्मिंग ऑपरेशन कुल्ला वेगा एंड महावेगा एंड बुद्धिस्ट लिटरेचर इन पाली। ओके 760 BC से 800 AD तो देन 760 760 से 800 AD तो पर्सियन व्हील यूज इन अराघट्टा इंडिया। ओके तो एडी मीन्स होता है, एडी मीन्स एमिनोडोमिन, एमिनोडोमिन मीन्स होता है ईसा मसीह के जन्म के बाद। ओके एमिनोडोमिन का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म के बाद। ओके तो एडी का यूज करते हैं ईसा मसीह के जन्म के बाद, और बीसी का यूज करते हैं बिफोर क्रिश्चियन, ईसा मसीह के जन्म के पहले। ओके तो एमिनोडोमिन आपकी समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। नौ सौ से 1000 AD तो कंस्ट्रक्शन ऑफ एनिकट एंड टैंक्स, कृषि प्रसार एंड विकास या आयुर्वेदा, मैनुअल्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड बॉटनी, रिटन ए टेक्स्ट बुक ऑफ एग्रीकल्चर वाज प्रिपेयर्ड बाई कश्यप बाई द नेम ऑफ कृषि सुक्ति। ओके तो देन 15th century AD कल्टीवेशन ऑफ स्वीट ऑरेंज। ओके कल्टीवेशन ऑफ स्वीट ऑरेंज सोर ऑरेंज वाइल्ड ब्रिंजल एंड पोमग्रेनेट। ओके देन 1600 AD इंट्रोडक्शन ऑफ सेवरल क्रॉप्स इन इंडिया बाय द पोर्टुगीज, दे आर द पोटैटो स्वीट पोटैटो, एरोरूट कसावा टोमेटो चिली पम्पकिन पपाया पाइन एप्पल गुआवा कस्टर्ड एप्पल ग्राउंड नट केसव नट टोबैको अमेरिकन कॉटन एंड
रबर। ओके देन 1550 AD प्रोड्यूस इंट्रोड्यूस ग्राफ्टिंग टेक्निक इन हॉर्टिकल्चर। देन 1795 AD फ्लोरा इन इंडिया पब्लिश्ड बाय ल्यूटेंट विलियम फ्रेजर स्टार्टेड द स्टडी ऑफ फ्रॉम द पूसा विहार टू ब्रीडर हॉर्सेस। ओके एंड देन 1820 AD जीएल ब्लेन कंस्ट्रक्टेड द वेस्टर्न जमुना कैनाल। ओके देन 1824 AD जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर वेयर पब्लिश्ड 1824 AD जर्नल 24 AD जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर वेयर पब्लिश्ड। देन 1845 AD अकरेंस ऑफ आयरिश फेमाइन। ओके तो ये 1845 AD अकरेंस ऑफ आयरिश फेमाइन ड्यू टू लेट ब्लाइट ऑफ पटेटो। ओके देन 1865 AD फेमाइन इन बंगाल एंड ओडिशा 15 लाख पीपल डाई। देन 1868 से 1869 AD अकरेंस ऑफ सीवियर फेमाइन। ओके तो इस तरह से हमारा एंशियंट हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर कंप्लीट होता है। ओके सो नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर। ओके तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जय हिंद, जय भारत।